हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हमने कल जो चर्चा की थी टेक्स्ट फॉर्मेट में, हमने एक कहानी पढ़ी थी हेलेन केलर की। तो हेलेन केलर की कहानी पढ़ने के बाद आज हम उसके कुछ छुपे हुए तथ्यों को देखेंगे कि हेलेन केलर ने अपने जीवन के अंदर इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट को कैसे प्राप्त कर लिया। जबकि हम सामान्य तौर पर सोचते हैं कि जो इस तरीके के व्यक्ति होते हैं वो अपने जीवन में उलझ करके ही रह जाते हैं, लेकिन फिर भी हेलेन केलर ने अपने साहस और हिम्मत को जुटा करके इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कैसे की। तो दरअसल इसके पीछे की साइंस भी हमें समझनी होगी, अध्यात्म कह लीजिए, साइंस कह लीजिए, कुछ भी कहिए। तो जब कोई भी व्यक्ति होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अंधा है, तो उसके अंदर दरअसल जिस भी व्यक्ति के अंदर कोई भी कमी रहती है, तो उस कमी की जो एनर्जी होती है, यानी जो वहाँ की एनर्जी होती है, वो हमारी बाकी शरीर के अंदर स्टोर होने लगती है। जैसे मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति है जो आँखों से देख नहीं सकता, तो उसके सुनने की क्षमता इतनी विकसित हो जाएगी कि बाकियों की अपेक्षा वो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म ध्वनि को भी सुन पाएगा, महसूस कर पाएगा। लेकिन सामान्यतः जो देख सकता है उसके कानों की इतनी क्षमता नहीं होती कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि को पहचान पाए। इसलिए क्या है, आपने अंधे व्यक्ति को देखा होगा तो वो कदमों की आहट से पहचान लेता है कि ये इस फलां फलां व्यक्ति की आवाज़ है। तो इस तरीके से क्या है, उसके जो आँखों की जो ऊर्जा के केंद्र थे, जो आँखों की एनर्जी थी, वो सारी की सारी उसके कानों में शिफ्ट हो गई, आप ऐसा मान सकते हो। तो वो सारी की सारी एनर्जी जो है उसके कानों को विकसित करने में लग गई, और उसके कान इतने विकसित हो गए क्योंकि जिस चीज़ का हम बार बार उपयोग करते रहते हैं वो उतनी ही ज़्यादा परफेक्ट होती जाती है। तो कानों का प्रयोग जो है वो अंधा व्यक्ति ज़्यादातर करता है, इसलिए उसके अंदर एक ख़ास तरह की एनर्जी बन जाती है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि को भी पहचानने में उसकी हेल्प करती है। यदि आप दूर से चले आ रहे हो और अंधे व्यक्ति को आपके कदमों की आहट सुनाई दी, तो तभी उसे पता चल जाएगा। शायद हमारे जैसे व्यक्तियों को जिसको दिखाई देता है तो वो इतने उनको शायद सुनाई भी ना दे वो ध्वनि, लेकिन वो अंधे व्यक्ति जो है वो सुन लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो ध्वनि को सुन करके ही करते हैं, महसूस करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, उसके अंदर ऊर्जा के नए केंद्र आप मान सकते हो विकसित होने लगते हैं। तो जितनी हमारे शरीर की जो एनर्जी है वो कंप्रेस होती जाएगी, दबती जाएगी, एक जगह इकट्ठी होती जाएगी, तो उतने ही हमारे अंदर जो क्षमता है, एकाग्रता है, वो बढ़ती जाएगी। जैसे हमारे क्या है, बहुत अभी हमारा दिमाग जो है बहुत जगह पे बंटा हुआ है, तो हम सारी एनर्जी को एक जगह पे कंसाइज इतने आसानी से नहीं कर पाते। लेकिन जैसे हेलेन केलर के बारे में हमने पढ़ा, तो हेलेन केलर के क्या है, बचपन में उसे बुखार होता है, ये हम कहानी में देख चुके हैं। तो उसे बुखार होने के कारण क्या है, उसके आँखों की रोशनी चली जाती है, उसे सुनाई देना बंद हो जाता है, वो क्या है, वो बोल भी नहीं पाती, अर्थात वो गूंगी भी हो जाती है। तो इस तरीके से उसके जो आँखों की जो देखने की जो क्षमता थी, एनर्जी थी, वो सारी की सारी उसके हाथों की तरफ ट्रांसफ़र होने लगती है, क्योंकि उसे अधिकांश काम अपने हाथों से ही करने होते हैं, हाथ से टच करके महसूस किया करती थी कि कौन सी चीज़ क्या है। तो इस तरीके से कानों का काम भी वो हाथों से ही लेती थी और बोलने का काम भी हाथों से लेती थी। इस तरीके से सारी एनर्जी जो है वो उसके हाथों की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र होने लगी। तो धीरे धीरे ऊर्जा, सारी ऊर्जा कंसाइज होकर के, इकट्ठी होकर के एक जगह उसके हाथों में आ गई। इसलिए क्या है, हेलेन केलर जब भी किसी एक व्यक्ति के चेहरे पे हाथ इस तरीके से हाथ घुमा के उसको महसूस कर लिया करती थी, तो यदि आप क्या है 5-10 साल बाद भी उसके सामने जाओगे तो वो आपके चेहरे को टच करके बता देगी कि आप इस व्यक्ति का ये नाम है और इस दिन ये मुझसे मिलने आया था, और अभी इसका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा है, उसमें सुधार है, या फिर अभी इसका स्वास्थ्य बिगड़ चुका है, ये भी बता देगी सिर्फ हाथों से महसूस करके चेहरे के हाव भाव को। तो इस तरीके से सारी एनर्जी जो है उसके हाथों में स्टोर हो गई। जबकि हम यदि इस तरीके से हाथों से जो चीज़ें महसूस ना कर पाएँ, नोट को पहचानना, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों, सूक्ष्म चीज़ों को पहचान लेना हाथ से, ठीक है, तो ये हेलेन केलर ही कर सकती थी। तो क्योंकि उसने सारी अपनी एनर्जी को अपने हाथों में झोंक दिया था, एक तरह से आप ये भी मान सकते हो।
तो तभी क्या है वो अपनी लाइफ में इतना बढ़िया अच्छा कर पाई। अब इसके पीछे जो है सबसे बड़ा रोल जो है उसकी शिक्षिका जो अध्यापिका थी तो उसका रहा, एनी का, एनी सुलविहान थी जिसका नाम हमने देखा था कल की वीडियो में। तो इस तरीके से अध्यापक जो होता है उसका भी बहुत बड़ा, गुरु का भी हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा रोल है, वरना हम सोए के सोए ही रह जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा हमें जागना कब है। इसलिए एक गुरु ही है, एक शिक्षक ही है जो बार बार आपको क्या है चेतना में लाने का काम करता है, ठीक है, आपको बार बार आपको क्या है कहता है, डांटता है, और डांटने के पीछे उसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही होता है कि आप जाग जाओ। और कई बार उस टीचर को बहुत, या शिक्षक को, अध्यापक को, गुरु को बहुत ज़्यादा सख्त होना पड़ता है, क्योंकि जो जितना ज़्यादा सोया हुआ है उसको जगाने के लिए उतनी ही ज़ोर से आवाज़ लगानी पड़ेगी। तो इस तरीके से क्या है शिक्षक की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी तरीके से एनी सुलविहान की जो अध्यापिका थी उसने क्या किया, उसने क्या है उसको धीरे धीरे स्पर्श का महत्व समझाया, ठीक है, जैसे उसे क्या है जैसे मान लीजिए पानी के बारे में उसे बताना है तो पानी का सिंबल या पानी लिख करके उसके हथेली पे, फिर उस हथेली को पकड़ करके पानी के अंदर ले जाती है और उसे महसूस करवाती है कि इसको हम पानी कहेंगे, ये वाली चीज़ इस तरीके से है। तो अलग अलग मेथड से उसे पढ़ा करके इस योग्य बना देती है। उसके बाद तो आपने देखा कि उसने ब्रेल लिपि भी सीखी और भी बहुत सारे उसने काम किए, और उसने अपनी जो भी संघर्ष भरी कहानी थी उसने अपनी एक पुस्तक में भी लिखा, और उस पुस्तक को लाखों लोग पढ़ते हैं और प्रेरित होते हैं। तो हमें क्या है ऐसे लोगों की जीवनियाँ ज़रूर पढ़नी चाहिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे लोग आकर के सोच लेते हैं कि अब शायद कुछ नहीं हो पाएगा, वहाँ से उठ करके लोगों ने इतिहास रचे हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो हमें क्या है कभी भी हार मानने की सोचने भी नहीं चाहिए, ठीक है, हमें हमेशा निरंतर प्रयास करते जाओ। और आजकल के स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा है, YouTube देखेंगे वहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा, अध्यापक देखेंगे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे आसपास जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी हमारा ध्यान उतना ही बंटता जाएगा, और जितना ध्यान बंटेगा तो उतना ही हमारी सारी एनर्जी एक जगह पर स्टोर होकर के एक काम पर नहीं लग पाएगी, जिसका रिज़ल्ट हमें आउटपुट जो है वो अच्छे से नहीं मिलता। तो इसी प्रकार क्या है जैसे और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट जो है, आजकल के ज़्यादातर छात्र जो हैं वो अब उनको इतनी समझ ही नहीं होती, लेकिन फिर भी वो क्या है अलग अलग, चाहे वो नशे की गिरफ्त में आ जाएं, चाहे वो क्या है बुरी संगत में चले जाएं, चाहे वो क्या है किसी लव हार्मोन्स के चक्कर में आ जाएं, ठीक है, हाइपोथैलेमस के चक्कर में आ जाएं, तो इन सभी के चक्कर में आकर के उनकी समझ उन चीज़ों को संभालने के लिए अभी परिपक्व नहीं है, लेकिन फिर भी चले जाते हैं उस रास्ते पे जहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए। तो एक कारण ये रहता है कि हमारे अंदर डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, फिर हमें पता नहीं चलता कि हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ें, हमारा जीवन जो है उलझ करके रह जाता है। तो सबसे पहले हमें जो बाहरी आकर्षण है उसके प्रति अपने ध्यान को हटाना होगा, ठीक है, हमें अपने लक्ष्य को इंगित करना होगा, हमें अपने लक्ष्य को चिन्हित करना होगा और उसी पे ही काम करना पड़ेगा, तभी जो सफलता है वो पॉसिबल हो सकती है हमारे लिए, हम सक्सेस के रास्ते पे चलेंगे तभी तो वहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन आजकल अपनी दिशा को ही भूल चुके हैं अधिकतर विद्यार्थी, तो जब हम दिशा भूल जाएंगे तो फिर सक्सेस तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो जैसे इससे जुड़ी एक कहानी है छोटी सी कि एक व्यक्ति होता है वो रोज़ क्या है सुबह सुबह दौड़ लगाता है और दौड़ लगाता रहता है, भागता रहता है दिन भर, या दो ढाई घंटे जितना भी मान कह लीजिए कि वो लगातार दौड़ लगाता है। तो दौड़ लगाने के बाद जो है वो वापस फिर दूसरे दिन दौड़ना स्टार्ट करता है। तो एक बुज़ुर्ग होता है जो पेड़ की छाया के नीचे बैठा उसे रोज़ देखता है कि वो उससे एक दिन पूछता है कि आपने कोई वैकेंसीज का फॉर्म वगैरह फिल कर रखा है, किसी जॉब की तैयारी के लिए आप जो है किसी जॉब की प्रिपरेशन के लिए आप दौड़ लगा रहे हो या फिर वैसे ही दौड़ रहे हो, आपको अपनी फिजिक जो है वो मजबूत रखनी है या फिर कुछ और है इसके पीछे कारण। उसने कहा मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना, लेकिन मुझे क्या है अपनी परछाई को पीछे छोड़ना है, मैं रोज़ दौड़ता हूँ मेरी परछाई मुझसे आगे आगे चलती है, तो मैं तब तक मैंने सोचा है कि दौड़ता रहूँगा कि जब तक ये परछाई मुझसे पीछे ना छूट जाए, लेकिन वो दिन आज तक आया ही नहीं, परछाई हमेशा मेरे से आगे ही चलती है।
तो इस तरीके से फिर बुजुर्ग उसे कहता है कि ये ऐसा तो तू जिंदगी भर नहीं कर पाएगा, तू अपनी परछाई को जिंदगी भर इस तरीके से दौड़ता रहा तो जिंदगी भर तेरी परछाई तुझसे आगे ही चलेगी। उसने कहा नहीं, मुझे पीछे इसको छोड़ना और मैं छोड़ के रहूँगा। ठीक है, तो जो बुजुर्ग होता है फिर यदि आप उसने उसे समझाया कि यदि तुझे अपनी परछाई को पीछे छोड़ना है तो तुझे अपनी दिशा चेंज करनी पड़ेगी, तुझे अपनी दिशा चेंज करनी पड़ेगी। तू क्या है, सूर्य की तरफ पीठ करके रोज भागता है, तो जब सूर्य की तरफ पीठ जब तक तेरी रहेगी तो तब तक तुझसे क्या है, तेरी परछाई जो है वो हमेशा आगे ही चलती रहेगी। तो उसने कहा फिर मैं क्या करूँ, उसने कहा कि सूर्य की तरफ तुझे मुँह करके भागना होगा, सूर्य की तरफ मुँह करके भागोगे तो हमेशा ही आप क्या है अपनी परछाई से आगे पाओगे आपको। तो इस तरीके से वो अगले दिन सूर्य की तरफ मुँह करके भागना स्टार्ट करता है तो वो देखता है कि उसकी परछाई जो है उसके पीछे छूट गई थी। तो इस तरीके से क्या है, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि सूर्य जो है वो अच्छाइयों का आप प्रतीक मान सकते हो या आप अपने लक्ष्य को मान सकते हो। तो जब हम अपने लक्ष्य की तरफ भागेंगे तभी हम क्या है अपनी बुराइयों को अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़ पाएंगे, तभी हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, तभी हमारी बुराइयाँ कमजोरियाँ ये सब पीछे छूट पाएंगी, अन्यथा ये हमसे आगे ही चलती रहेंगी और हमें इनके पीछे पीछे दौड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी दिशा जो है वो कहाँ किस ओर है। तो यदि हमारी दिशा सही होगी, वो हमें लक्ष्य की तरफ ले जाने की तरफ है, तो निश्चित ही आपको लक्ष्य मिलेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इस तरीके से क्या है, हेलेन केलर की कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि हमें शिक्षकों का भी सम्मान करना चाहिए और हमें क्या है अपनी सारी एनर्जी को बाहरी वातावरण से हटा करके हमें अपने लक्ष्य जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हम लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो भी हम बनना चाहते हैं ज़िंदगी में, वो हमें क्या है उस लक्ष्य की तरफ अपनी सारी एनर्जी को मोड़ देना चाहिए। फालतू के कामों में हमें अपनी एनर्जी जो है वेस्ट नहीं करनी चाहिए। जितना आप ज़्यादा एनर्जी को वेस्ट करते जाओगे आपके अंदर उतनी ही दुर्बलता आती जाएगी और आप अपने लक्ष्य से उतना ही दूर होते जाओगे। तो आज की वीडियो में ये सभी आपको बताना था और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।